हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है, वेलकम सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आप लोगों को आज की क्लास में क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में इस चैप्टर का नाम आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी की बुक अगर आप लेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में ये चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से मिलेगा। कुछ बुक्स आप देखेंगे आईसीएससी की, कुछ बुक्स देखेंगे आईएससी बोर्ड की, नूतन वगैरह में तो इसमें शायद आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के नाम से ये चैप्टर मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से हैं और बहुत वाइड है ये चैप्टर। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्चुअल में हमको पढ़नी होती हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें आपको इसी चैप्टर में मिलेंगी। इसके अलावा इसी चैप्टर का मोल कॉन्सेप्ट का ही एक टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन वो आपके सिलेबस में अलग चैप्टर के फॉर्म में दिया गया है, तो हम अलग चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम इसी चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी हाइड्रोजन वाले चैप्टर में एक कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है, उसको भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी है ना, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, हार्डनेस का पीपीएम में कैलकुलेशन होता है, वो सारी चीजें हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर है बहुत वाइड, कई इसको यूनिट्स में हम बांट सकते हैं। उसमें पहली यूनिट आज हम जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मोल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट में बेसिक कंसेप्ट ऑफ मोल समझें तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज मोल, व्हाट इज मोल। तो देखिए सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 2 दर्जन केले ले आइए, 2 dozen बनाना, तो आप क्या करोगे, आप 24 केले ले आओगे। तो डजन आपने जैसे ही सुना आप समझ गए कि 1 dozen का मतलब 12 बनानास। यह मैंने कहा कि एमएस धोनी ने या विराट कोहली ने आज सेंचुरी मार दी, तो सेंचुरी टर्म आप सुनते ही आपके माइंड में एक फिगर आ जाता है कि 100 run तो उसने बनाए ही बनाए होंगे। तो जैसे डजन 12 को रिप्रेजेंट करता है, सेंचुरी 100 को रिप्रेजेंट करता है, वैसे मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और वो नंबर कितना होता है इसके बारे में कैलकुलेशन किया एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो ने बताया कि कार्बन 12 आइसोटोप के एग्जैक्टली 12 ग्राम में जितने कार्बन के एटम्स होते हैं, मेरी बात गौर सुनिए, कार्बन 12 आइसोटोप के एग्जैक्टली 12 ग्राम में जितने कार्बन के एटम्स होते हैं उस नंबर को, उस नंबर ऑफ कार्बन एटम को 1 mole कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इट इज अ नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। एंड दिस नंबर वॉज कैलकुलेटेड बाई एक्सपेरिमेंट्स एंड इट इज फाउंड टू बी इक्वल टू 6.022137 इंटू 10^23। दिस नंबर वॉज कैलकुलेटेड बाई एवोगैड्रो, सो इट इज कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर। दिस नंबर इज इक्वल टू 1 mole, दिस नंबर ऑफ एटम, दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस नंबर ऑफ एटम तो अमाउंट कितना हुआ 1 mole एटम, दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंडिकेट 1 mole ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मीन्स 1 mole इलेक्ट्रॉन, 1 mole प्रोटॉन, 1 mole न्यूट्रॉन। तो 1 mole का मतलब हुआ 6.022 10^23 एंटिटीज। कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं, है ना, हमारे पास मार्कर पेंस है, इतने नंबर में मार्कर पेंस ले लें तो वहां वी हैव 1 mole मार्कर पेंस। तो ये जो है नंबर की बात बताया एवोगैड्रो ने। बेसिकली मोल, अगर आपसे सिंपली कोई पूछता है कि व्हाट इज मोल, तो आप ये मत कहिए कि मोल इज अमाउंट, इट इज नॉट एन अमाउंट, इट इज अ नंबर। अमाउंट में तो बहुत सारी चीजें आ गई, अमाउंट में मास आ गया, अमाउंट में वॉल्यूम आ गया, अमाउंट में नंबर ऑफ मोल आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गया, है ना। तो आप सिंपली बताइए कि मोल इज अ नंबर विच इंडिकेट 6.022 10^23।
इट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। तो अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है कि इतने नंबर ऑफ कोई भी एटम अगर हम लेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इतने नंबर में अगर कोई भी किसी भी एलिमेंट के एटम्स हम लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ फाइनाइट मास होगा। तो एक मोल का मास क्या होगा? मास को हम सेकेंडली रिलेट कर रहे हैं, मोल को मास से डायरेक्टली नहीं रिलेट किया गया। डायरेक्टली किससे रिलेट किया गया? नंबर से। मास से जब हम इसको रिलेट करेंगे तो हम इनडायरेक्टली रिलेट करेंगे, हम नंबर की हेल्प से मास से रिलेट करेंगे। तो मास के बारे में पता करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई उसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। भाई मास कैसे आएगा? एटॉमिक मास से आएगा। किसी एलिमेंट की हम बात करें तो एलिमेंट का मास मतलब क्या हुआ कि उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। आज तो हमें पता है कि हर एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक। लेकिन उस समय जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय एटॉमिक मास बहुत कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट था। लोग क्या करते थे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम होता है, लाइटर एलिमेंट है तो उसके मास को यूनिट मान लिया और उससे दूसरे एलिमेंट के मास को कंपेयर किया और जो दूसरे एलिमेंट का मास उसके कंपैरिजन में आया उसको उसका एटॉमिक मास बता दिया। तो आपने रिलेट करके निकाला तो उसे हम एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं कह सकते, हम उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। लेकिन बाद में पता चला, फर्दर डिस्कवरीज के में हुई तो उससे हमें पता चला कि हाइड्रोजन के मास से जो हम कंपेयर कर रहे थे वो हम गलत कर रहे थे, क्योंकि हाइड्रोजन का मास यूनिट माना था, वन माना था। लेकिन बाद में पता चला कि हाइड्रोजन का मास एग्जैक्टली वन होता ही नहीं है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 होता है। तो इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो दूसरा ऑप्शन लिया गया कार्बन 12 आइसोटोप का। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास एग्जैक्टली 12 होता है, एग्जैक्टली 12। लेकिन हमें चाहिए यूनिट, भाई उससे कंपेयर करना है ना, उससे रिलेट करना है, हमें यूनिट चाहिए। तो एग्जैक्ट 12 जो है 12 पॉइंट समथिंग तो नहीं है, तो एग्जैक्ट 12 है तो 1/12 से मल्टीप्लाई कर दे, यूनिट हो जाएगा। यानी कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12th part ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, इट इज एग्जैक्टली 1। और इससे अब हम दूसरे एलिमेंट के मास को कंपेयर कर सकते हैं और रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या मीनिंग है रिलेटिव एटॉमिक मास की, इस पे डिस्कशन करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास RAM, मैंने बताया कि कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12th पार्ट के रिस्पेक्ट में किसी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। मैं लिख देता हूं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्वेल्थ पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 12th पार्ट कितना हो गया? 1। उसके रिस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा वो कहलाएगा उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। मींस फॉर्मुलाइज करें इसको तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं और जिसका निकालते हैं एटॉमिक मास निकाल रहे, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे, उसकी वैल्यू ऊपर रखते हैं। तो
रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब देखिए नीचे वाली क्वांटिटी जो है वो वन है तो वन से डिवाइड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, वन से डिवाइड किया कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जैसे एग्जांपल इसकी यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी वैल्यू जो है ये नीचे वाली क्वांटिटी ही इसकी वैल्यू है 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये आजकल इसको जो है केवल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है विच स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास। आजकल यूनिफाइड मास कहते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एएमयू थोड़ा बड़ा लगता है उसको मेंशन नहीं करते। तो ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें, फॉर एग्जांपल रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम एलिमेंट है, एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है ना, तो इसका एटॉमिक मास होता है 23। तो आप लिखेंगे 23 AMU। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास की जगह 23 AMU रख दिया, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम और नीचे वाली क्वांटिटी वन, तो वन से डिवाइड करोगे उतना ही रहेगा। तो 23 AMU इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, इट मींस इट इज देयर इज वन एटम ऑफ सोडियम, मतलब इतने AMU मास में कितने सोडियम के एटम से, केवल एक सोडियम का एटम है, ये केवल एक सोडियम के एटम का मास है ना। नोट करिए इसको, तो मैं आगे बताता हूं। और जैसे समझते हैं एक आध दो एग्जांपल और, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए एटॉमिक मास की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन एटम के क्यों कंसीडर कर रहा है, ना कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। तो 16 AMU इट कंटेन्स वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का केवल एक एटम कंटेन कर रहा है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है, 14 AMU वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर आपको पता है कि अगर आप एलिमेंट के मास को, यहां से यही क्लियर होता है कि एलिमेंट के मास को अगर आपने AMU में मेंशन किया तो इट बिकम रिलेटिव एटॉमिक मास एंड दिस मास कंटेन्स ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, वो उस एलिमेंट का केवल एक ही एटम कंटेन करेगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं सीधा सा इसको समझने के लिए, थोड़ा और डीपली समझने के लिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2.4 × 10³³ AMU मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है। तो इट मींस कि 24 एटॉमिक मास है, तो 24 AMU अगर मेंशन करेंगे तो इट बिकम रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, दिस विल कंटेन वन एटम ऑफ मैग्नीशियम ओनली, वन एटम ऑफ मैग्नीशियम, रिलेटिव एटॉमिक मास कंटेन्स ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट।
तो 24 AMU में 1 एटम, तो 1 AMU में 1/24 एटम्स, तो कितने AMU में पूछ रहा है आपसे? 2.4 × 10⁻²³ AMU विल कंटेन 1/24 × 2.4 × 10⁻²³। ये पॉइंट उठाएंगे, यहां जीरो आएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻²² एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, इतने एटम इस सैंपल में मैग्नीशियम के प्रेजेंट होंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्लियर है? इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको मास एएमयू में मेंशन किया गया है, मास को एएमयू में मेंशन किया गया है, तो हम लोग उससे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे आए? जो मास दिया था 2.4 × 10⁻²³, उसको रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड किया, मास इन एएमयू डिवाइडेड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास। इस फॉर्मूले से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया क्या? नंबर ऑफ एटम्स। इसका मतलब हमें तो मोल चाहिए था, लेकिन हम क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर कैलकुलेट कर पा रहे हैं, मोल नहीं कैलकुलेट किया, लेकिन इससे नंबर से चाहे तो मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हमने आपको बताया कि 6.022 × 10³ एटम्स अगर आपके पास हैं, तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल। इतने एटम 1 मोल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 एटम 1/Avogadro नंबर, इतने मोल्स। तो कितने एटम्स हैं? 10⁻², 22 एटम्स, तो 1/6.022 × 10⁻²³ ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बचेगा, तो 1/60 अप्रोक्सीमेटली 1/60 मोल्स है ना, 60.22 आएगा। लिखना चाहे तो वहां लिख सकते हैं 22, और डिवाइड कर ले वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब जो हमने मोल फाइंड किया, जो हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल फाइंड किया, नंबर ऑफ मोल्स, वो कैसे फाइंड किया? जितने एटम्स हमको मिले थे उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इस फॉर्मूले से हमने मोल निकाला, यानी कि अगर आपके पास मास एएमयू में गिवन है, तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं, और फिर नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के बाद नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करने हैं? जो मास दिया गया है एएमयू में, उसको उस एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, तो आपको आएगा नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को जो मिले उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। मतलब हमें डायरेक्ट मोल नहीं मिला जिसकी हमें जरूरत थी। तो रिलेटिव एटॉमिक मास डायरेक्टली मोल से रिलेटेड नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मास आपको नंबर प्रोवाइड करता है, और उस नंबर की हेल्प से हम मोल कैलकुलेट करते हैं। हमें डायरेक्ट नंबर अगर चाहिए, सॉरी डायरेक्ट मोल चाहिए फ्रॉम एटॉमिक मास, तो वी हैव अनदर ऑप्शन विद एटॉमिक मास, है ना, एंड दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। नोट करिए इसको पहले, तो फिर बताता हूं। चलिए ग्राम एटॉमिक मास पे डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास?
ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। देखिए ग्राम एटॉमिक मास क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या होता था कि एटॉमिक मास को एएमयू में एक्सप्रेस कर रहे थे, अब एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन जब एटॉमिक मास को एएमयू में एक्सप्रेस कर रहे थे तो वो हमें सिर्फ एक एटम का मास दे रहा था, मास ऑफ ओनली वन एटम। लेकिन जब हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वी हैव वन मोल एटम, डायरेक्टली मोल मिल रहा है, वी हैव वन मोल एटम, दैट इज 6.022 × 10²³ एटम्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो इट इज एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स एंड दिस विल एक्सप्रेस मास ऑफ वन मोल एटम, दैट इज मास ऑफ 6.022 × 10²³ एटम्स। सिंपल मीनिंग समझें, फॉर एग्जाम्पल ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, एटॉमिक मास 24 होता है तो हम लिखेंगे 24 ग्राम्स, तो इसमें कितना होगा, वन मोल होगा, वन मोल मैग्नीशियम या 6.022 × 10²³ मैग्नीशियम एटम्स, इतने एटम का मास है ना। तो अगर मैं कहूं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम, मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम, तो इससे पहले जो रिलेटिव एटॉमिक मास हम डिस्कस कर रहे थे वो एक ही एटम का तो मास था, है ना। तो इसका एटॉमिक मास इन एएमयू में एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये एक एटम का मास है। लेकिन इसी को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए इतने मैग्नीशियम एटम का मास 24 ग्राम, तो वन एटम का मास, एवोगैड्रो नंबर को उधर ले आइए, तो 24/NA ग्राम, NA मींस एवोगैड्रो नंबर, पूरा वैल्यू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 6.022 × 10²³ ग्राम्स। मतलब एटॉमिक मास को एएमयू में एक्सप्रेस करेंगे तो वो एक एटम का मास है, और एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो एक एटम का मास फाइंड करने के लिए उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल ले, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन, तो इट इज 12 एएमयू एंड 12 ग्राम्स अपॉन 6.022 × 10²³। सिंपली मतलब एक एटम का मास कैलकुलेट करना है तो एटॉमिक मास को एएमयू में लिख दीजिए, और अगर ग्राम में लिखेंगे तो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, नोट करिए। तो एक आध क्वेश्चन लेते हैं इस पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास 23। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है, आपको मास किस में दिया है, मास ग्राम में दिया है,
अगर एएमयू में दिया होता, एएमयू में, तो रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ एटम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर ग्राम में दिया है तो पहले मोल्स, भाई देखिए ग्राम में एटॉमिक मास एक्सप्रेस करते हो तो उससे सीधे मोल मिल जाता है आपको, है ना। तो ये देखें, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 23 ग्राम्स कंटेन वन मोल सोडियम, 23 ग्राम कंटेन वन मोल सोडियम, तो वन ग्राम विल कंटेन 1/23 मोल ऑफ सोडियम, तो 2.3 ग्राम्स, तो 1/23 इंटू 2.3, इट मींस 2.3 अपॉन 23, इट मींस 0.1 मोल सोडियम, तो वी हैव 0.1 मोल सोडियम। अब यहां देखें, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड किया हमने, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड किया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए जो मास दिया था ग्राम में, मास गिवन इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, इससे हमको सीधे मोल मिल गया। और दूसरा काम हमें चाहिए था नंबर ऑफ एटम्स, तो वी नो अबाउट दैट कि वन मोल इज इक्वल टू 6.022×10^23 एटम्स, वन मोल कंटेन दिस नंबर ऑफ एटम्स, तो 0.1 मोल 6.022×10^23 इंटू 0.1, तो 6.022×10^22 एटम्स। मतलब पहले मोल फाइंड कर लिया और जो मोल आया उसको एवोगैड्रो नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर्स आ गए, क्लियर। ज्यादा इसमें एटॉमिक फॉर्म में, एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में मोल के ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, ज्यादा एप्लीकेशन मॉलिकुलर मास के रिस्पेक्ट में है। इसको नोट करिए, तो मॉलिकुलर मास पे चलते हैं। नोट कर लिया होगा, जैसा जैसा हमने एटॉमिक मास में बताया आपको, एग्जैक्टली वैसा ही मॉलिक्यूलर मास में, सब्सटेंस की बात करेंगे हम लोग तो मॉलिक्यूलर मास की बात होगी, तो मॉलिक्यूलर मास में एग्जैक्टली वैसी ही सारी चीजें एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने एटॉमिक, रिलेटिव एटॉमिक मास लिया, तो वो एटम था, क्या था, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, वहां सब्सटेंस के लिए हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, और नीचे की क्वांटिटी वही रहेगी। तो देखिए आई बात करते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में सिंपली मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। बोली ठीक है, एग्जैक्टली वही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, तो कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 2 जा 32, तो 44 आया, तो 44 क्या लिखेंगे, AMU, एंड दिस विल कंटेन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एक मॉलिक्यूल का मास होगा, जैसे वो एक एटम का मास था वैसे एक मॉलिक्यूल का मास है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, तो दिस इज मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम,
ये उसी तरह से मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस होगा या मास ऑफ 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। जैसे हमने सिंपल सी बात की कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 एक मॉलिक्यूल का मास, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पहला तो यही होगा, सर हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फर 32 हो गया, ऑक्सीजन 16 × 4 = 64, टोटल 98 AMU। और अगर इसको 98 ग्राम एक्सप्रेस करेंगे तो वी हैव टू डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10^23। जैसे एटम में सेम चीज है, मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, नोट करिए इसको। जैसे क्वेश्चंस पे आते हैं, बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें, आपको प्रॉब्लम क्वेश्चंस में होती है, मोल कंसेप्ट तो बस दो लाइन का ही है ना, बेसिकली इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आइए चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। तो मास दिया है ग्राम में, तो आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली कैसे फाइंड करते हैं। जैसे एटम में फाइंड किया था, क्या किया था, मास गिवन इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, यहां पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मास गिवन इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये मोल्स आ गए। और नंबर कैसे निकालना बताया था कि जो मोल्स आएंगे उनको एवोगैड्रो नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर्स आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहले देखिए, पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। सिंपल, इतना आपको नहीं याद हो रहा है, नया करो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट याद कर सकते हो आप, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ये दिया है, मॉलिक्यूलर वेट आप इसका फाइंड कर लीजिए। तो वेट आपको दिया 4.9, मॉलिक्यूलर वेट सीधे यही कैलकुलेट कर लो, हाइड्रोजन 2 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, तो 4.9 अपॉन टोटल आएगा 98, एक पॉइंट हटाएंगे, 49 अपॉन 980, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/20 मोल्स लिख दीजिए, इसी तरह से ऐसे ही रहने दीजिए, ये मोल आ गए आपके, या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं डेसिमल में। अब आपको चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो भाई एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 × 10^23, तो इतने मोल में कितना, तो मल्टीप्लाई कर दें भाई, हमने कहा कि एक दर्जन केले लिए आपने 12 केले मिले, 10 दर्जन में कितने केले मिलेंगे, 120 केले मिलेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो जो मोल आया उसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से ये कैंसिल होगा, 3.011 और ये 10^22 हो जाएगा, तो 3.011 इंटू 10^23 इतने मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के इस सैंपल में प्रेजेंट होंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट
टोटल नंबर ऑफ ईच एटम इन फाइव पॉइंट थ्री ग्राम्स सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का एटॉमिक मास 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16. तो सेम वही वे, उसी वे में चलना है, लेकिन इस बार टोटल नंबर ऑफ ईच एटम पूछा है. कुछ भी पूछा हो पहले आप मोल निकालेंगे पहले स्टेप में. स्टेप वन नंबर ऑफ मोल, स्टेप टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेप थ्री अगर कुछ उसके आगे पूछा है तो. तो चलिए फिलहाल जो पूछा है उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स पे आते हैं. वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास गिवन इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास. मैंने क्या बताया, क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लगाएंगे. वेट कितना दिया है 5.3, मॉलिक्यूलर वेट सोडियम 23 इंटू टू 46 प्लस कार्बन 12 16 इंटू थ्री 48 5.3 106 53 1060 1/20 मोल. सेम आ गया, मोल वही आ गया. ठीक है, पहले क्या बताया मोल निकालना है, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सीक्वेंस में काम करिए, मोल के लिए वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो मोल्स आएंगे उस मोल्स को नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मोल्स आए उसको एवोगैड्रो नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये कितना आएगा, थ्री, टू से डिवाइड करोगे 3.011 इंटू 10 टू द पावर 10 कैंसिल हो जाएगा 22. इतने मॉलिक्यूल्स हैं, वी हैव 3.011 इंटू 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट. अब जो पूछा उस पे आते हैं, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ईच एटम. ईच एटम वी हैव इन द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट वी हैव सोडियम एटम, कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम. तो वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. तो वन इतने मॉलिक्यूल हैं सोडियम कार्बोनेट के, तो एक मॉलिक्यूल में कितने सोडियम है, दो, तो उतने मॉलिक्यूल में कितने सोडियम होंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 3.011 10 टू द पावर 22. कितने कार्बन है, वन, तो वन से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22. कितने ऑक्सीजन है, थ्री, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22. 6.022 10 टू द पावर 22, 3.011 10 टू द पावर 22 और ये 3 9.033 इंटू 10 टू द पावर 22. तो इतने सोडियम के, इतने कार्बन के और इतने ऑक्सीजन के एटम्स इस सैंपल में प्रेजेंट हैं. नोट करिए, अगला क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं. कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 1.8 ग्राम वाटर. पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नोट कर लिया होगा,
तो देखिए जो पूछा है उसको बाद में, पहले हमने आपको बताया पहले मोल फाइंड करिए फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करिए। तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला क्या है, वेट जो दिया है और वाटर हाइड्रोजन 2 और 16 18, तो 0.1 मोल। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो आंसर आया उसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब जो पूछा उस पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन पूछा, प्रोटॉन पूछा, न्यूट्रॉन पूछा है, तो जरा सा यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए कि H2O के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने कितने हैं। जो पूछा गया, जैसे यहां पे हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ सोडियम कार्बन ऑक्सीजन एटम, तो हमने देखा एक मॉलिक्यूल में कितने सोडियम है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितने कार्बन उससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितने ऑक्सीजन उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसी एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो हाइड्रोजन है, दो इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इक्वल्स टू कितना आया, 10। प्रोटॉन भी सेम होगा और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, 1H1 0, और ऑक्सीजन 8O16, तो 8, तो कितना आया 8। तो वन मॉलिक्यूल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, तो जितने मॉलिक्यूल आए कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, वन मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन्स। तो जो आंसर आया ऊपर उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए मॉलिक्यूल्स में, 10^22, 6.022, 10^22, 6.022, 10^23, 6.022, 10^23, और ये मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 16, 8 2 16 117, 1 और 8 6 48, तो 4.8176 × 10^23। सीधा कैलकुलेशन करिए, एक सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन बताता हूं, इसी तरह को आप एक लाइन में किस तरह सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन इन 1.11 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। क्वेश्चन नंबर 4, तो कैल्शियम क्लोराइड में देखिए एक कैल्शियम आयन है, दो क्लोराइड आयन। पहले आपको कुछ नहीं करना, पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, जो वेट दिया है 1.11, मॉलिक्यूलर वेट से कैल्शियम 40 प्लस 35.5 × 2 71, तो 1.11 upon 111, तो 1 upon 100, इट मीन्स 0.01 मोल। मोल आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये दो काम कर लेने हैं, जो आंसर आया मोल का उसमें 6.022 × 10^23 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10^21 हो जाएगा, 6.022 × 10^21, इतने मॉलिक्यूल्स। तो अब देखिए फॉर्मूला, देखिए आपके सामने लिखा हुआ, एक कैल्शियम है, दो क्लोराइड है, तो नंबर ऑफ कैल्शियम आयन एंड नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, एक कैल्शियम है, दो क्लोराइड है, तो कैल्शियम में वही रहेगा और क्लोराइड आयन में मल्टीप्लाई हो जाएगा विद 2, टू टू जा 4, 2 2 जा 4 0 6
1.2 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है, बिल्कुल सिंपल पैटर्न, उसी पैटर्न पे काम करना है। कुछ थोड़ा बदल के क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, 9.4 ग्राम फिनॉल ले लिया, उसमें मिक्स किया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल, फिनॉल के इतने मॉलिक्यूल मिक्स किए, उसमें 0.2 मोल्स ऑफ फिनॉल भी मिक्स कर दिए गए, तो कुल कितने मोल्स फिनॉल बने। तो देखिए आंसर आपको मोल में चाहिए, क्लियर, तो ये लास्ट वाला तो मोल दिया, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है, पहले इसको मोल में कन्वर्ट करना, क्या दिया वेट, तो फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट होता है C6H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका हम निकाल लेंगे, तो इसमें मोल आप निकाल लीजिए, मोल्स वेट 9.4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 72 प्लस 6 प्लस 16, 9.4 अपॉन 6 12 94, 0.1 मोल, ये पहला सैंपल। दूसरे में क्या दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मोल्स का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, ये तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट था, एक और फॉर्मूला बताया था अगर नंबर दिया हो तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, किससे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए मोल आ जाएगा, वेट दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए और नंबर दिया है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करिए, तो कितना दिया है 6.022 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई 6.022 10 टू द पावर 23, ये कैंसिल हो गया, 1/10 आया, इसका मतलब ये भी 0.1 मोल, तो टोटल आ गया 0.1 प्लस 0.1 और लास्ट वाला 0.2 है, इट मीन 0.4 मोल्स। आई बात समझ में, नोट करिए, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये देखें क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम 280 मिलीग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट। तो देखिए दिया है मास और उसमें नंबर्स को माइनस किया है और पूछा है कि कितने मोल बचे, तीनों अलग अलग चीजें। तो देखिए 280 मिलीग्राम का मतलब है 0.28 ग्राम्स, 1000 से डिवाइड करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसके मोल्स कितने होंगे, भाई नंबर को माइनस करना है ना, तो पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी तो माइनस करोगे। अब आपसे कहा जाए कि 2 केजी एप्पल लिया, उसमें से 2 एप्पल निकाल दिया, कितने केजी एप्पल बचा, तो पहले पता होना चाहिए कि 2 केजी एप्पल में कितने एप्पल थे, ठीक है, तो इसलिए पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ, उसके लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे, क्या होता है 0.28
28 और मॉलिक्यूलर वेट कार्बन 12 और ये 1628, तो 0.01 मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लीजिए, जो मोल आए इंटू 6.02 टू 10 टू दी पावर 23, तो ये आ गया 6.02 टू 10 टू दी पावर 21, है ना, ये थोड़ा सा सेम आ गया, इसको 10 टू दी पावर 21 कर लीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, 10 टू दी पावर उतना ही घटा देंगे तो माइनस जीरो आ जाएगा। तो इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, मतलब इतने मिलीग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में 10 टू दी पावर 21 मॉलिक्यूल निकाल दिए गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट तो कितने थे, 6.022, 6 ले लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, 10 टू दी पावर 21, और इसमें से 10 टू दी पावर 21 निकाल दिए गए, तो ये कैंसिल मत कर दीजिएगा, इसमें 10 टू दी पावर 21 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट बचेगा 6 माइनस 1, तो ये 5 × 10 टू दी पावर 21 मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के बच गए। लेकिन आपसे पूछा कि कितने मॉलिक्यूल बचे, ये नहीं पूछा कितने मोल्स, तो मोल मॉलिक्यूल तो पता है, नंबर पता है ना, इसको मोल्स में चेंज कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट, तो कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, इतने हैं, और इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, तो 5/6 × 10 टू दी पावर माइनस 2 0.83 के आसपास आएगा, 10 टू दी पावर माइनस 2 मोल्स, तो इतने मोल्स बच गए। समझ में आई बात? तो आज हमने आपको मोल का बेसिक कंसेप्ट में आपको मैंने बताया कि मोल का रिलेशन नंबर से होता है, और वो नंबर होता है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, दैट इज 6.022 × 10 to the power 23, एंड दिस नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, इफ देयर इज एटम देन दिस नंबर बिलोंग्स टू ग्राम एटॉमिक मास, एंड अगर ये नंबर मॉलिक्यूल्स के लिए है तो इसका मास होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इन दोनों चीजों पे हमने कैलकुलेशन किए। अब इस कैलकुलेशन को वॉल्यूम की तरफ भी ले चलेंगे, मोल को वॉल्यूम से रिलेट करेंगे, लेकिन उसके पहले कई सारी चीजें हमें और डिस्कस करनी है, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी कॉन्सेप्ट, तो इसको लेते हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इस पे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और इंपॉर्टेंट बात कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेड कलर से सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, उसको प्रेस करिए, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिए, जिससे आपको रिलेटेड वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप कंटिन्यूअसली अपनी स्टडी को जारी रख सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू।